नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका जन्म मार्च के महीने में होता है। कैसे होते हैं ये लोग, क्या होती हैं इनमें कमियाँ, कैसा रहता है इनका कैरियर, और क्या इनके डिसीजन मेकिंग ख़राब होती है। आइए बात करते हैं इस वीडियो में। बस इतनी सी गुजारिश रहेगी आपसे कि वीडियो को देखिएगा अंत तक, जिससे सारे जो तथ्य हैं आप उसको बहुत आसानी के साथ समझ पाएँ। देखिए, मार्च में जो जन्मे जो लोग होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी हमारी ये कहती है कि ये लोग होते तो बड़े मिलनसार हैं और एम्बिशियस होते हैं, गर्म दिमाग के भी थोड़े से होते हैं, यात्राओं के शौकीन होते हैं और फ्रेंड सर्कल काफ़ी बढ़िया होता है। इनकी जो इंट्यूशन पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन विचारों के रूप में थोड़े से एम्बिशियस होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पार्टनर का जन्म या आपके बच्चे का जन्म हुआ है मार्च में, तो इनके ऊपर अपने फैसलों का बोझ बिल्कुल ना डालें तो बेहतर है, क्योंकि ये दबाव में अच्छा काम नहीं कर पाते। ऐसे जो लोग मार्च में पैदा होते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए इनको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत रहती है। ये लोग फैक्ट फाइंडिंग के हिसाब से काम करते हैं और कुछ ज़्यादा शो ऑफ करने में बिलीव रखते हैं। सपनों की ऊंची उड़ान में उड़ना इन्हें पसंद होता है, इस वजह से कई बार इनकी जो डिसीजन होती है ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि थोड़ी सी दिक्कत इन्हें होती है डिसीजन लेने में। ये लोग फ्रेंडली होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और अपने आप को एक तरीके से चलाने में इच्छुक रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्यार के मामले में भी लकी होते हैं, और जो चाहते हैं वो इन्हें मिल जाता है। ख़ासतौर से जो महिलाएं होती हैं मार्च में जन्म का होता है, उनको सजने संवरने का जो शौक़ होता है वो देखा ज़्यादा जाता है। जो उन लोगों का जन्म हुआ है मार्च में, इन्हें इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ये तकनीकी शिक्षा, बैंक और फाइनेंस के क्षेत्र में काफ़ी कामयाब देखे जाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि बड़े फैसले लेने में इनको दिक्कत होती है, और कहीं ना कहीं मार्च में जन्मे जो लोग होते हैं, पैसा खर्च करने में कोई कंजूसी किस तरह की नहीं करते। इन्हें फोटोग्राफी का शौक़ होता है और कहीं ना कहीं एडवेंचर करना भी इन्हें अच्छा लगता है। आगे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, और कितनी बातें इस पर आपके ऊपर लागू हो रही हैं ये मुझे कमेंट करके बता देना। इस माह में जन्मे जो युवा होते हैं, उन्हें नशे की आदत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा जो है आपको बर्बाद कर सकता है और करियर को आपके बर्बाद कर सकता है। मार्च में जन्मे युवा थोड़े से गपोड़ी किस्म के भी होते हैं, तो इसलिए गप्पे मारना इन्हें पसंद होता है। थोड़े से बातूनी होते हैं और जॉली किस्म के होते हैं। महफिल में छा जाना इन्हें पसंद है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, जब ये महफिल में आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग इनकी तरफ को देखते हैं। कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे बदलाव भी जीवन में लेकर आते हैं, जिससे सामने वाला जो होता है वो बोल्ड हो जाता है। मैं कहूँगा कि आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोच होती है कई बार, और कहीं ना कहीं ड्यूल स्टैंडर्ड भी देखे जाते हैं। इनकी नेचर में आप दो तरफा देखेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, और कहीं ना कहीं इनकी सिंसेरिटी जो होती है वो इतनी नहीं होती, मेच्योरिटी उतनी नहीं होती, ये थोड़ा बच्चे की तरह जो है व्यवहार करते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल सोच रहती है काम के प्रति, और जितना कमाते हैं उतना उड़ा भी देते हैं। जो मैंने जैसे शुरुआत में ही आपसे कहा था कि जो महिलाएं होती हैं मार्च में जन्मी हुई, उन्हें सजने संवरने का शौक़ ज़्यादा ही होता है, और अपनी उम्र से वह हमेशा कम दिखाई देती हैं, और अपने सीक्रेट, अपने ब्यूटी के सीक्रेट ये लोग किसी के साथ शेयर भी नहीं करती हैं। ये इनकी एक खासियत जो है वो देखी जाती है। बस अच्छी बात यही रहती है कि ये थोड़े से दिल फेंक भी होते हैं, खर्चा करने में भी तेज़ होते हैं, और मैं कहूँगा लकी रहते हैं जो लोग मार्च में जिनका जन्म होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नशे की आदत से अगर आप दूर रखें तो बेहतर रहेगा। बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताना, चुगलखोरी करना इनके व्यक्तित्व का थोड़ा सा अवगुण है, और इससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। जल्दी गुस्सा करने के कारण कई बार इनका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। इनका जो सर्कल होता है काफ़ी बड़ा होता है, और कहीं ना कहीं कई बार इन्हें एक जने को चूज़ करने में दिक्कत आती है।
आपके ऊपर कितनी बातें लागू हुई ये बताइएगा कमेंट करके। कुछ बातें आपको कड़वी लगी होंगी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो बात सच है वो मैंने आपको बताई है, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसी तरह चैनल को देखते रहिए, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।